कारवा बातचीत में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी राज में मुसलमानों पर हो रहे हमले पर हमारे साथ बातचीत में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और कारवा के पॉलिटिकल एडिटर हरतोष सिंह बल वेलकम हरतोष हाय बी जे बीजेपी के राज में खासकर 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं ये हमले उनकी लाइवलीहुड पर हैं उनके एडुकेशन पर हैं सामाजिक हैं पॉलिटिकल भी हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं एज अ इतने लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं पॉलिटिक्स को देखिए कम्युनल वायलेंस इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है सैतालीस से, से लेके या सैंतालीस में भी और दूसरी बात के ऑपरचुनिस्टिक कम्युनल वायलेंस कांग्रेस ने भी की है चौरासी के भी एग्जाम्पल्स हैं और आप कांग्रेस के समय पे दंगे जो भी हुए पर अब जो हुआ है वो एक नया फेज़ है वो नया फेज़ इसलिए है क्योंकि बीजेपी की एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड पोजिशन है जो आरएसएस से उभरती है और आरएसएस ने 1925 से लेके इस मुद्दे पे साफ कहा है कि मुस्लिम्स इस देश में अगर एज मुस्लिम्स रहना चाहते हैं तो वो सेकंड क्लास सिटीज़न हैं वो हिंदू का दर्जा नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी कहीं होली लैंड कहीं और पड़ती है अब ये सेकेंड क्लास सिटीज़नशिप कैसे इस्टेब्लिश होती है अगर आप उनको आ, किसी भी तरह पावर शेयरिंग में देखिए आप आज देख लीजिए कैबिनेट पॉलिटिकल पावर लेजिस्लेचर्स में जो मुस्लिम परसेंटेज है इतनी नीचे पिछले तीस चालीस पचास साल में कभी नहीं रही साढ़े तीन परसेंट है, है। हाँ।, हाँ और ये परसेंटेज बीजेपी का जैसे राज उभरते जा रहा है आप पहले गुजरात में देखें फिर सेंटर में देखें ये कम होता जा रहा है जब बीजेपी मुस्लिम्स को नहीं अपॉइंट करते ऑपोजिशन ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को कम कर दिया उसके बाद लाइवलीहुड्स पे अटैक हो रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि मतलब जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है उसकी वजह से भी ये हमले हो रहे हैं बढ़ रहे हैं नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो साफ बात ये है कि एक ये जो रिप्रेजेंटेशन कम जान के हो रहा है उसी के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी ये एक पूरी सोची साजिश है कि आप पावर से डिप्राइव करें पावर का क्या मतलब होता है पॉलिटिकल पावर से आप डिप्राइव करेंगे इकोनॉमिक लाइवलीहुड्स पे अटैक करेंगे लाइवलीहुड्स uh, पे क्या है आप जैसे बीफ की बात कर ली हमें तो वो तो मालूम ही है पर आज अगर एक कोई मुस्लिम एज अ मुस्लिम जर्नलिस्ट कहीं पे जाके काम करता है तो उसको एज़ अ मुस्लिम अटैक किया जाता है उसको अपनी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का हक नहीं रह जाता है तीसरी बात होती है जो इशू इन्होंने बुरखा को लेके बनाया है वो एक्चुअली तो डिनाइल ऑफ एजुकेशन है ना तो अगर कर्नाटक में जो बात कर रहे हैं अब उन्होंने आपको हिजाब को इशू बनाया है पर इशू क्या कर रहे हैं आप लोगों को एजुकेशन से डिप्राइव कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन लाइवलीहुड्स अगर सब पे आप हमला कर रहे हैं तो आप एक कम्युनिटी को पूरी तरह से डिसम्पावर कर रहे हैं इस डिसम्पावरमेंट करने का भी कारण है नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कारण होगा डिस मतलब आज के ज़माने में पूरी दुनिया भर में हम मार्जनाइज सोसाइटीज़ कम्युनिटीज़ के राइट्स की बात कर रहे हैं और इंडिया में एक उल्टा ही काम हो रहा है जहाँ पर आप जो सबसे मार्जिलाइज हैं मतलब मुस्लिम्स हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद से ही लगातार डिप्राइव्ड हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी बातें आई हैं कि कई पैमानों पर इंडेक्स में तो वो दलितों के भी बराबर हैं जिनको हम मानते हैं कि सबसे डिप्राइव है लेकिन उन्हीं पर भी अटैक हो रहा है तो ये कैसे कंपेटेबल होता है इंडियन सोसाइटी के साथ ये एकदम ही इंडियन सोसाइटी के मूल रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो एक तरह का ये प्रैक्टिस कर रही है बीजेपी जो आर एस एस से उभर के आता है इसका क्या मतलब है कि अगर आपको अपर कास्ट प्रिविलेज को मेंटेन करना है तो आपको एक लोअर कास्ट चाहिए उसकी क्रिएशन चाहिए एक दलित वर्ग की ज़रूरत है अब दलित वर्ग इकोनॉमिकली डिप्राइड था पॉलिटिकली डिप्राइड था सोशली डिप्राइड था पर शोषित तो बार बार वही हो रहा था आज बीजेपी क्योंकि हिंदुओं को कंसोलिडेट करना चाहती है उसको डर है कि अंदर से जो ताकतें उभर के आई थी उन्नीस के बाद जिसमें मायावती शामिल है काशीराम शामिल हैं जिसमें मुलायम सिंह शामिल हैं जिसमें लालू प्रसाद अगर उनको उनसे हमने लड़ना है कि नीचे से हम हिंदुज़्म में सप्लांट ना हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं ये शोषण कहीं और डायरेक्ट करना पड़ेगा तो जो किया जा रहा है वो एक नया दलित वर्ग हिंदुत्व प्रोड्यूस कर रही है वो दलित वर्ग आज मुसलमान हैं जो आप देखते थे कि हम एक गांव में परे करके हम शोषित करके अछूत कर दें लोगों को वो ही पैमाना आज मुसलमानों पे लगाया जा रहा है तो ये अपने आप को कंसोलिडेट करने और ये हिंदू वर्ग का जो ब्रेकअप होने वाला था जो नीचे से ताकतें उभर रही थी उसको कंसोलिडेट करके और ये जो घृणा बाहर किसी और पे डायरेक्ट करके शोषण किया जाए तो एक ये पुरानी सोच है जो अपर कास्ट पावर को हमेशा पहले मेंटेन करती थी और मेंटेन करने का एक इस मामले में मुझे अंबेडकर की बात भी याद आती है कि वो कहते थे कि हिंदू सोसाइटी एक बिल्डिंग है जिसमें कई फ्लोर्स हैं लेकिन फ्लोर्स एक दूसरे में जाने का रास्ता नहीं है मतलब मोबिलिटी नहीं है मतलब नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता है तो यहाँ आपकी बातों से मुझे लगता है कि आर एस एस इस तरह से काम करना चाहती है कि एक और एक बेसमेंट क्रिएट कर दे जो सबसे नीचे जो है उसके नीचे भी आ जाए ताकि उसको देखने के लिए हो कि नीच आपके नीचे भी कोई है सिर्फ नीच देखने की बात नहीं है क्योंकि एक आप देखेंगे कि मोदी जब से 2002 से अपनी इलेक्शन लड़ रहा है आदित्यनाथ हेट स्पीच उसमें जो मुसलमानों का जो वर्णन होता है मियाँ मुशरफ वो आदित्यनाथ किसी और चीज़ को लगे जब बात करता है अस्सी परसेंट बीस परसेंट उसकी सफाई जो भी दे हमें मालूम है किसका जिक्र किया जा रहा है तो ये सिर्फ शोषित करने के लिए नहीं एक घृणा और नफरत पैदा की जा रही है और हम ये भूल जाते हैं पॉलिटिकल तौर पे नफरत हेट जो है एक बहुत यूनिफाइंग फोर्स होता है उसका पावर बहुत होता है वो बाकी चीज़ों को दबा देती है आप आर्थिक मुद्दों की बात करते रहते हैं लेफ़्ट से लेके हमारे लिबरल सब कहते हैं आर्थिक मुद्दों पे ये हो रहा है वो हो रहा है जहाँ पे घृणा पैदा हो जाए जहाँ पे नफरत पैदा हो जाए वहाँ पर आर्थिक मुद्दों का कोई स्वरूप नहीं रह जाता है और ये चीज़ आप बार बार हर इलेक्शन में देख रहे हैं आप तो हिस्ट्री भी देख ही रहे हैं पढ़ रहे हैं आपको जो अभी इंडिया में घट रहा है उसकी कुछ आप कंपेयर कर सकते हैं कि जर्मनी के साथ या ऐसी जगहों पर हुआ था इससे पहले देखिए ब्रॉड रूप पे आप थोड़ी सी कम्पेरिजन कर सकते हैं फैसल टेंडेंसीज हैं एकदम हैं आरएसएस मुसोलिनी को खास करके वो जो उनके साथ जाके मज़ीनी मसुलनी के लीडरशिप में यहाँ से दिल्ली से गए थे आरएसएस के लीडर्स इंट्रैक्ट किया है उनसे मिले हैं वो उनको इमिटेट करना चाहते तो फैसिज्म से बहुत कुछ सीखा है आरएसएस ने पर मैं जो बातें कर रहा हूँ आरएसएस की कि उन्होंने अगर हम इसे फैसिज़म कहना चाहें ना कहना चाहें जो यहाँ पर हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा हमारी जमीन में है, रूटेड है और उसकी लॉन्जिविटी फैसिज्म यूरोप में कितनी देर चला 20 साल चला 25 साल चला 30 साल चला आरएसएस को 1925 से आज जे, 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 सौ साल होने वाले हैं 2025 में ये इस लॉन्जिटिविटी की मूवमेंट आपको यूरोप में नहीं दिखेगी और ये मूवमेंट जो दशक बा दशक सिर्फ आप देख सकते हैं कि सैंतालीस से गांधी की असासीनेशन के बाद से लेके जब तक नेहरू जिंदा थे उन पंद्रह साल में आरएसएस अपना मुंह उठा के दिखा नहीं पाई बट उसको छोड़ के हर दशक में वो पावरफुल होते गए हैं और और पावरफुल हो रहे हैं और उन्होंने अपना सपना आज अचीव कर रहे हैं कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र जहाँ पे मुस्लिम और उसी बतौर क्रिश्चियन सेकंड क्लास सिटीजनस रहें वो आज उन्होंने चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं पर वैसे अचीव कर लिया है इसको आप यूरोप से कंपेयर करेंगे तो इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे वहां से हम कुछ चीजें ले सकते हैं बट जो प्रॉब्लम्स हैं आर की वो अपनी और भी गहरी प्रॉब्लम्स हैं वो हिंदू सोसाइटी की ही प्रॉब्लम है उससे जो सोची समझी चीजें उन्होंने कुछ चीज़ें मॉडर्निटी से ली हैं जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है कुछ यूरोपियन नेशनलिज्म के राइज से ली है कुछ फैसम से ली है और कुछ हिंदू सोसाइटी की अपनी जो ट्रेडिशनल कोशिशें थी अपर कास्ट पावर को कैसे पाँच तो, कम से कम डेढ़ हज़ार साल तक कैसे उसे कंसोलिडेट किया जाए उससे भी सीखा है इन सब का मेल बना के आज जो हमें दिख रहा है वो दिखता है मतलब आपकी बात से भी अगर देखें कि कास्ट नाइन्टीज़ में जो कास्ट पॉलिटिक्स ऊपर आई है उससे इसकी आइडिया को कहीं ना कहीं तो चुनौती मिली थी क्योंकि नाइन्टी में जब बाबरी मस्जिद भी गिरी एक कम्यूनल एक हिस्टीरिया था उसके बीच भी हारे बीजेपी वाले अब इनके और बढ़ने में इन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स जो कर रही थी इनको कमज़ोर तो किया ही है अपने अपने तरीके से ये जो कास्ट पॉलिटिक्स कमज़ोर हुई है जो इसके लिए चुनौती बनती आर एस एस के आइडियोलॉजी के लिए उसके पीछे क्या कारण होगा कास्ट पॉलिटिक्स एकदम कमज़ोर नहीं हुई बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स को समझ के बीजेपी उनके खिलाफ जो कास्ट पार्टी से उनसे बेहतर कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है देखिए कास्ट इस, देश की रियलिटी है उस पर आप हिंदुज़म थोप सकते हैं इस्लाम थोप सकते हैं सिखिज़म थोप सकते हैं कास्ट एक रियालिटी है उसके बाद में सारी रियालिटीज़ आती हैं तो उन्होंने देखा ये जो चैलेंज आ रहा है आज बीजेपी क्या कर रही है वो कास्ट को कहाँ पे चैलेंज कर रही है हर एक कास्ट की वो कंसोलिडेशन कर रही है आप यूपी में जाके देखिए बैकवर्ड कास्ट की कंसोलिडेशन जो मुलायम के पार्टी के अगेंस्ट होती है वो हर एक कास्ट के आइकन्स को लेके होती है हर एक कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देके होती है वो अपनी पूरी जो स्ट्रक्चर है उसमें कास्ट के जो मैनिफेस्टेशं हैं उनको जोड़ रही है उनको रिप्रेजेंटेशन दे रही है पर कास्ट का वो जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस है उसे नहीं चेंज कर रही है ये सही बात है कई ओबीसी कास्ट को बीजेपी में वो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है जो 50 साल तक कांग्रेस ने नहीं दी थी हमें वो माननी चाहिए पर वो रिप्रेजेंटेशन इस लेवल पे दे मिल रही है कि वो हाँ ज़रूर थाने में जाएंगे और इससे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है कि हम थाने में जाएंगे पर वो देश या राज्य नहीं चला पाएंगे वो कंट्रोल आर के पास ही रहेगा तो इस स्ट्रक्चर में इंक्लूड करने की एक फीलिंग दे के आप मुसलमानों को भार रख के आप एक्चुअली कास्ट पार्टीज को चैलेंज कर रहे हैं कास्ट पार्टीज की क्या दिक्कत थी वो कास्ट पार्टी नहीं रह गई वो जो काशीराम का बहुजन विजन था वो आप एक सिंगल जाति का विजन रह गया है वो एक जाटव पार्टी रह गई है जो मुलायम या लालू का विजन था वो एक सिंगल यादव पार्टी रह गई इसके खिलाफ उन्होंने एक भी ओ कंसोलिडेशन एक दलित कंसोलिडेशन भी हुई है तो जिस हद तक हम कहते हैं कि लिबरल्स रियलिटी ऑफ इस देश की पॉलिटिक्स से कट ऑफ हैं कुछ हद तक हम जो थ्योरेटिकल हम अम्बेडकरइट यहाँ पे आइडियोलॉजी है या बैकवर्ड कास्ट के नाम पे जो बात करते हैं लिबरल तौर पर वो भूल जाते हैं कि ज़मीन पर तो कुछ और हो रहा है बीजेपी कहीं उनसे आगे निकली हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स तो जो आप आ... भारत के बारे में बता रहे हैं उससे जो हमारा मूल सवाल है इस बातचीत का कि मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं तो उसके सेफ गार्ड्स कहाँ बन रहे हैं कैसे बनेंगे इसका मतलब है कि ये तो होना ही है बढ़ते ही जाना है रुकेगा नहीं देखिए जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमारे जो सेफ गार्ड्स थे सेफ गार्ड्स एक तो उतने कोई तगड़े नहीं थे बट इवेंचुअली डेमोक्रेसी में जो सेफ गार्ड्स हैं वो लोगों की मर्जी से ही खड़े रह सकते हैं सेफ वैसे ही कमज़ोर थे इंस्टीट्यूशनली कांग्रेस ने 20-25 साल लगाए हैं इंस्टीट्यूशनली स्ट्रक्चर्स को वीकन करने के लिए और बीजेपी ये समझती थी आके एक कॉन्सर्टेड तौर पे सोची समझी तरीके से धक्का दे के हमने स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किए आज कौन सामने खड़े हो सकता है जब बीजेपी ये सोच रही है और इस सोच को हर बारी पॉलिटिकल इंडोर्समेंट मिल रही है आप आ, मस्जिद मंदिर के नाम पे हमेशा एक नया पैतरा चला सकते हैं बाबरी खत्म हुआ है ज्ञान वापी आ गया है मथुरा चला गया है इस देश में तो हज़ारों मंदिर हैं ऐसे तो हम हज़ार साल तक चल बिल्कुल हरतोश जैसे मैं जब देख रहा था नाइन्टीज़ के बाद की पॉलिटिक्स में लोग कहते थे कि अब मस्जिद की पॉलिटिक्स मतलब एक काठ की हांडी है जो एक बार चढ़ गई फिर नहीं चढ़ेगी लेकिन अब वापस अब देख रहे हैं जो ज्ञान वापी पे लेकर हो रहा है ऐसा लगता है वो हांडी मतलब इतनी असरदार है कि बार बार चढ़ा सकते हैं तो देखिए ये एक लिबरल पॉलिसी है फॉलोसी है बेवकूफ़ी है कि ये कंट्री डाइवर्स है मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता आप कह देंगे ये कंट्री इतनी डाइवर्स है कि योगी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता आप देखिए कि क्या कहते हैं एकदम जो प्लॉट पहले चला था वही प्लॉट रिपीट हो रहा है उसी के तहत हो रहा है हम लोगों ने लिखा है जब कॉरिडोर बन रहा था तो क्या था यही था ना कि ज्ञानवापी अब टारगेट होएगा ज्ञानवापी फिर टारगेट हो गया फिर किसी चार लोगों ने जाके कोर्ट में कुछ कर दिया उसका फिर कोर्ट ने नोटिस ले लिया धीरे धीरे काम बढ़ते जाएगा कुछ और हो जाएगा उसके बाद कहीं तीसरी जगह उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ ना कुछ और मिल जाएगा जो आप कह रहे हैं सिर्फ रिलीजन में नहीं पॉलिटिक्स में बार बार पैटर्न रिपीट होते देखता है आप मोदी और योगी की सिमिलारिटी में लोगों को बोलता हूँ वो ये नहीं समझते जब मोदी पावर में आया था आरएसएस का थोपा हुआ वो चीफ मिनिस्टर था उसका कोई पॉलिटिकल नहीं दंगे हुए कम्युनलिज्म हुई उसके तहत पे गुजराती प्राइड और एंटी मुस्लिम रेटेरिक के बेसिस पे वो सडनली नेशनल लीडर बन गया जब योगी पिछली बारी चीफ मिनिस्टर बना है वो भी तो ऊपर से थोपा हुआ चीफ मिनिस्टर था उसका क्या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी तीन साल में आपने वही कम्युनल रेटर एक वही एंटी मुस्लिम वायलेंस सी ए के नाम पे इनकाउंटर्स के नाम पे आपने मुसलमानों को अटैक किया सड़ली सडनली योगी नेशनल लीडर बन गया है सेम पैटर्न से लीडरशिप कंस्ट्रक्ट की जा रही है और हम सोचते हैं कि ज़मीन से क्यों उभरे हुए लोग हैं किस हद तक कि ये ज़मीन से उभरे हुए हैं इन्होंने ज़मीन पे कौन सी पॉलिटिक्स कभी की है इनको क्रिएट किया जा रहा है मीडिया इन्हें फीड कर रही है और हम ये बात मान लेते हैं उसी तरह इशूज़ को भी क्रिएट किया जाता है चाहे बाबरी हो चाहे ज्ञान वापी हो उसके तहत ये चलते जाएंगे अनलेस कहीं पर कंप्लीट कुलैब्स होता है श्रीलंका और वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता है क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत बड़े हैं हम बहुत बहुत डाइवर्स डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होता है तो हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ये खेल और ये पैतरे चलते रहेंगे और ये जीतेंगे लेकिन पैतरों का मकसद क्या है अगर ये पैतरे ही हैं तो एक तो है कि मुस्लिम टारगेटेड है लेकिन मुस्लिम टारगेट होने का आपने बताया है कि ये कास्ट हैरान को बचाए रखना भी है इकोनॉमिकली भी क्या इसको वो जो हमारी विफलताएं हैं मतलब नोटबंदी से लेके मैं तो ऐसे गिन रहा हूँ कि नोटबंदी से लेके भारत में एक मतलब डाउनवर्ड्स वो चला है इकोनॉमिकली क्या ये सब भी छुपाने के लिए ये बहुत आसान काम आ जाता है नहीं मेरे को लगता है आप लोग आर को फिर अगर इस नज़रिए से देखेंगे तो गलत है ये लेफ्ट नज़रिया आर एस की आपने 1925 से देख लीजिए या 1940 से देख लीजिए 50 से देख लीजिए उन्होंने अपनो इकोनॉमिक्स में कौन सी प्रॉमिस की आप देख सकते हैं ठोस तो उन्होंने क्या प्रॉमिस की थी कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए कश्मीर का अलग स्टेटस नहीं चाहिए हमें राम मंदिर चाहिए उन्हें जो जो चीजें मांगी हैं वो तो इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं गवर्नेंस में उनका जो प्रोजेक्ट था वो तो होते जा रहा है आपके सामने फिर भी हम जाके आरएसएस को नहीं पढ़ते हम कहते हैं ये सोची हुई समझी साजिश है अपनी इकोनॉमिक फेलियर्स को हटाने के लिए नहीं उनका मेन फोकस मोदी प्राइम मिनिस्टर बना ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो बना ही राम मंदिर बनाने के लिए वो बना ही है थ्री सेवेंटी एबॉलिश करने के लिए उसमें अगर आप थोड़े पैतरे अगर डिवॉल्यूशन हो गई हो गई थोड़ी इकॉनॉमी बुरी हो गई इतनी बुरी ना हो कि वो इलेक्शन हार जाए बस इकोनॉमी का उतना ही उनको कंसर्न है बाकी उनका कंसर्न एक इस देश की कल्चरल रिकास्टिंग से है उस स्वरूप में जिस स्वरूप में वो उसे चाहते हैं उनका कोशिश उसी जरिए पे लगी रहेगी वो बाकी चीज़ों को आप जो सोचते हैं कि मूल मुद्दे हैं अगर लेफ्ट या लिबरल्स बात करना चाहें वो उनके लिए मूल मुद्दे नहीं हैं वो मुद्दे उतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनको पावर में बना के रखें बस अच्छा आप आप ये बार बार बात करते भी हैं कि इनके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र आ रहा है शपथ ग्रहण समारोह जिस तरह से हो रहे हैं वो एकदम ऐसा लगता है किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक है अगर हिंदू राष्ट्र ये बनाते हैं तो ये ये किसके फ़ायदे का राज है मतलब इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है और ये किस वजह से इतनी तड़प है हिंदू राष्ट्र बनाने की देखिए हिंदू राष्ट्र और ये जो धर्म आधारित थोक्रेसी या इस तरह के राज्य होते हैं वो हमेशा फेल तो होते हैं नेपाल का हाल हम जानते हैं वहाँ के मेजॉरिटी हिंदू ने ही हिंदू राजशाही को फेंक लिया अभी ये किस पोटेंशियली किसको फायदा देने के लिहाज से बनाया जाता है कास्ट में किसको फायदा मिलेगा आर्थिक रूप से किसको फायदा देखिए एक तो जो आप कह रहे हैं कि फेलियर्स होते हैं साइकिल फेस्टिव होती है ये देखिए ब्रॉड स्ट्रोक्स में हम सोच सकते हैं जो चीज़ सौ साल चल गई उसका मेरे को और आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो डेढ़ साल बाद जाके फेल हो जाएगी हमें तो उसी में जी, जीना है ना दिक्कत तो वही है हमारे लिए तो अगर जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हिंदू राष्ट्र बन गया है अब इससे आगे क्या आपको चाहिए जिसके लिए आप उसे हिंदू राष्ट्र कहेंगे उस हिंदू राष्ट्र को कंसोलिडेट करके उसे स्ट्रेंथन करने के लिए यह आर एस एस काम कर रही है हमेशा वो कल्चरल स्वरूप यही चाहते थे तभी मैं कहता हूं वो दुनिया की सबसे पावरफुल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जब चाइना को कंट्रोल कर रही थी और आज कंट्रोल कर रही है पूरी तरह से पर उसको अपनी आइडियोलॉजी भी बदलनी पड़ी है वो पार्टी आज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है आरएसएस जब देश को कंट्रोल कर रही है तो उन्होंने देश को अपने स्वरूप में बदल लिया है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में नहीं कर पाई है वो आरएसएस ने इंडिया में अचीव कर लिया है एक हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश कर लिया है वो इसे कंसोलिडेट करेंगे इसे स्ट्रेंथन करेंगे वही गोल है इसको स्ट्रेंथन कंसोलिडेट करने में इसका इंटरेस्ट क्या है कि एक ये जो पुरानी ट्रेडिशनल वर्ण व्यवस्था है अनचैलेंज्ड जो हम हिंदू कल्चर को यवो करते हैं वो इसी बात को यवो कर रहे हैं कि हम वही वर्ण व्यवस्था को स्ट्रेंथन करके उसी के बेसिस पे एक सोसाइटी चलाएंगे उस वर्ण व्यवस्था में हमने एक और नीच छूत जो उन्हीं के लफ्ज में कहा जाता है जोड़ दिया गया है जिनकी तरफ हम घृणा डायरेक्ट करके हम इसको कंसोलिडेट करके आगे बढ़ते रहेंगे अल्टीमेटली अब वापस अगर ये मुस्लिम सवाल पर ही देखते हैं ये पिक्चर में तो बहुत ही एक डरावनी पिक्चर तो है आने वाले वक्त की विपक्षी दल भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व ऑलमोस्ट जैसे आप लगातार लिखते भी हैं बताते भी हैं अभी आपको उनके भविष्य को लेकर क्या दिखता है कि भारत के भारत के मतलब फ्रेमवर्क में मुस्लिम का भविष्य क्या होने जा रहा है अगले कुछ साल देखिए ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा है क्योंकि लोग क्योंकि मेरे इस पर भी चर्चा हुई है लोग कहते हैं कि हम जेनोसाइड के तहत कोने पर खड़े हुए मैं कहता हूं नहीं जेनोसाइड हमारे देश में डर नहीं है क्यों नहीं डर है क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र का कोई मायने नहीं रहता है अगर सिर्फ हिंदू राष्ट्र हिंदू ही रह जाते हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र कहने का क्या मतलब है तो आपको ये फिगर ऑफ हेट्रेड हमेशा ये चाहिए तो मुसलमानों के लिए ये जो फेड डिजाइन कर रहे हैं वो जो कहते हैं एक झटके से आप ये प्रॉब्लम ख़त्म करने से कहीं ज़्यादा खर ख़तरनाक ये है कि जो हज़ार डेढ़ हज़ार साल का दलितों पे जो सोशन कॉन्सनट्रेटेड चल रहा है ये चाहते हैं कि उस तरह से फोकस्ड आप उन्हें नीचे रख के उन्हें जगह दिखा के उस तरह की ट्रीटमेंट बर्ताव करते रहिए उनको यहाँ पे ज़िंदगी जीने दीजिए वो हो रहा है और इसे चैलेंज करना हमारे लिए जरूरी है पर क्या ये आराम से चैलेंज हो सकता है इसे कोई चैलेंज करने वाला है कोई खड़े होके इसके अगेंस्ट कुछ सोच रहा है बोल रहा है वो नहीं दिखता और अगर आप कहेंगे कि मेरे को लगता है कि पिछले अगले चार साल में फर्क पड़ जाएगा पाँच साल में चल जाएगा शॉर्ट टर्म में मेरे को नहीं लगता फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म जर्नलिज्म का काम नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म कुछ कह सकें जैसे कांग्रेस भी तो भारत जोड़ो अभियान की बात करें कांग्रेस एक इरेलीलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि अभी भी उसको स्ट्रक्चर है कि इलेक्शन में कहीं पे किसी को कांग्रेस के नाम से कोई वोट मिल जाता है वो मिल जाता है उनकी कोई एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं है डेफिनेशन नहीं है भाई 2015 में हम भूल जाते हैं कि सोनिया ने स्टेटमेंट दे दी थी अब राहुल क्या देगा स्टेटमेंट कि हमें हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें एक मुस्लिम समर्थिक पार्टी बीजेपी ने करार कह दिया है तो आप अगर डरते हैं आप इस बात से खुल के खड़े होके इस बात से डरते हैं कि हम उस देश में रहना चाहते हैं जिस जहाँ पे आइडेंटिटी के बेसिस पे हम किसी से डिस्क्रिमिनेट कर नहीं करेंगे सब बराबर हैं आप खुल के वो भी नहीं कह सकते हैं आपको जनेओ याद आ जाते हैं आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं आप अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो ठीक है आप आएंगे कुछ हद तक थोड़ा फ़र्क पड़ेगा धोखे कभी से कोई पार्टी अगर इलेक्शन फेयर हो रहे हैं तो कभी ना कभी हारेगी पर आपको लगता है कि कांग्रेस आके 370 को चैलेंज कर सकती है या वो राम मंदिर पे कोई पोजीशन ले सकती है या वो मुस्लिम कैंडिडेट्स बार बार ज़्यादा खड़े कर पाएगी वो तो उन... सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारे पिता ने दरवाजा दरवाजे उन्होंने खोला है कल ज्ञानवापी या मथुरा को लोग भी वो चर्चा करने लगेंगे तो हम तो आपसे आगे हैं हमने तो ये ये किया हुआ है हमने इतने लोगों को मरवाया है वो कल वो भी आंकड़े देने लगेंगे आप तो उतने भी नहीं कर पाए हो सकता है ये सारी भी बातें हों तो प्रॉब्लम तो यहीं पे है ना कि कोई भी जो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जिस बेसिस पे आप मैं आसपास जितने लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को इंडियन कहते हैं वो तो बेसिस चला गया है। इस हिंदू राष्ट्र में असल तौर पे मैं सिटीजन नहीं हूं और उस बात के खिलाफ ही हम लोग लड़ रहे हैं बार बार पर क्या ये लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है या जीती भी जा सकती है उसके पास मेरा कोई जवाब नहीं आज बस इतना ही हरकोश थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए अगर बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए हमारी वेबसाइट कैरेबैन मैगजीन डॉट इन पर जाकर हमारी मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त